डियर स्टूडेंट्स, आई एम कपिल शर्मा, लेक्चर इन पॉलिटेक्निक कॉलेज। आज जो अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वेरियस डेफिनेशंस रिलेटेड टू द इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे कि पहले फर्स्ट डेफिनेशन है ट्रू वैल्यू। द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड मे बी डिफाइंड एज ए एवरेज ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यू देन द एवरेज डेविएशन ड्यू टू द वेरियस कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टेंड्स टू जीरो। ट्रू वैल्यू का मतलब है जो एग्जैक्ट वैल्यू है किसी भी इनपुट की या कोई भी वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू तब कहलाएगी जब वो उसकी बार बार मेजरमेंट लेने पर उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स उसका एवरेज लिया जाए और उसके बाद उसमें जो फैक्टर्स जो उसको चेंज कर रहे हैं उस वैल्यू को, वो फैक्टर्स अगर ज़ीरो मान लिए जाएँ तो वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ट्रू वैल्यू कहलाएगी। मीन्स कोई एक फिक्स वैल्यू जिस पर उसके एवरेज लेने पर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एवरेज लेने पर जो प्राप्त होती है जब उसकी उसको वेरी करने वाले कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर को जीरो मान लिया जाए उसे अपन ट्रू वैल्यू कहेंगे। नेक्स्ट वन इज स्टैटिक एरर। स्टैटिक एरर इज द डिफरेंस डिफाइंड एज ए डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। स्टैटिक एरर बेसिकली क्या है, डेल्टा ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को घटा देंगे अगर अपन तो आपकी स्टैटिक एरर आ जाएगी। ठीक है, तो ये डेल्टा एम को मेजर्ड वैल्यू अपन ने माना है, ए टी को ट्रू वैल्यू माना है और एरर जो है वो स्टैटिक एरर को अपन ने डेल्टा ए से माना है। तो अगर आपका परसेंटेज निकालनी हो तो इसका मतलब एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू कर देंगे। इसका परसेंटेज अगर लेना है तो यहाँ पे 100 से गुणा करके परसेंटेज ऑफ स्टैटिक एरर फाइंड आउट कर ली जाती है। नेक्स्ट इज स्टैटिक करेक्शन। इट इज़ डिफाइंड एज द ट्रू वैल्यू एंड इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। ये उल्टा है जस्ट स्टैटिक एरर का। इसमें क्या है, बेसिकली ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को घटाया, मींस जो इसका स्टैटिक एरर का नेगेटिव पार्ट जो है, मींस नेगेटिव ऑफ स्टैटिक एरर इज स्टैटिक करेक्शन। इतना आपको करेक्शन करना पड़ेगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो स्टैटिक करेक्शन जब पूछा जाता है तो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि जितनी उसमें एरर आ रही है, मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को घटाएंगे तो एक्चुअली एरर आएगी, उस एरर को कंपेंसेट करेंगे तो स्टैटिक करेक्शन कहलाएगा, नेगेटिव ऑफ दैट एरर, तो ये स्टैटिक करेक्शन कहलाता है। रिप्रोड्यूसेबिलिटी क्या है, इट इज़ द डिफरेंस, इट इज़ द डिग्री ऑफ क्लोजनेस विच इज़ गिवन मे बी रिपीटेडली मेजर्ड। इट कैन बी स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ यूनिट फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ आप अगर मेजरमेंट लेते हो तो उसकी जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस है किसी पर्टिकुलर वैल्यू से, उसकी वैल्यू कितनी पास आती है, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोड्यूसेबिलिटी। परफेक्ट रिप्रोड्यूसेबिलिटी क्या है, मींस द इंस्ट्रूमेंट हैज़ नो ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मींस एरर। मींस अगर कोई जो परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट है वो कब होएगा, जब उसमें कोई भी ड्रिफ्ट नहीं होगी। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोड्यूसेबिलिटी। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज एक्यूरेसी। इट इज़ द क्लोजनेस विद विच एन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप्रोचेज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। मतलब ट्रू वैल्यू से कोई भी चीज़ कितनी दूर है वो उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी हो जाएगी। इट इज़ द क्लोजनेस विद विच एन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप्रोचेज द ट्रू वैल्यू। मतलब जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है वो 5 एम्पियर करंट आप इनपुट में देते हो और वो 4.8 तक पड़ता है, तो 0.2 जो एम्पियर्स है वो इसकी एक्यूरेसी हो जाएगी। मीन्स नेगेटिव 0.2, कि वो 0.2 कम पड़ रहा है। प्रिसीजन क्या है, द टर्म प्रिसीजन मीन्स क्लियरली और शार्पली डिफाइन। मीन्स क्लियरली और शार्पली डिफाइन को अपन प्रिसाइज कहते हैं। इट इज़ अ मेजर ऑफ रिप्रोड्यूसेबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट। मीन्स किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इनपुट देने पर वो बार बार कितनी नंबर ऑफ टाइम्स उसका अगर एवरेज रीडिंग लिया जाए तो हर बार वो एग्जैक्ट सेम रीडिंग इनपुट के अकॉर्डिंग देता है या नहीं देता, दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन। मीन्स उसमें एरर जो भी होगी वो एरर को तो मेजर करेगा ही, साथ में वो एग्जैक्ट वैल्यू को दे। हर बार एरर चेंज नहीं होनी चाहिए, हर बार सोर्स ऑफ एरर डबल जो चेंज करता है मेन वैल्यू को वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो इट मींस दैट इंस्ट्रूमेंट इज़ वेरी प्रिसाइज। मींस एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट का होना जरूरी है। द नेक्स्ट वन इज स्टैटिक सेंसिटिविटी। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट सिग्नल एंड और रिस्पॉन्स ऑफ द मैग्नीट्यूड। रिस्पॉन्स कह लो या आउटपुट सिग्नल कह लो, वन एंड द सेम थिंग। ये क्या है, बेसिकली रेशियो है कि मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट सिग्नल एंड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल, इन दोनों का रेशो जो है वो स्टैटिक सेंसिटिविटी कहलाता है। ये जो डेफिनेशन है ये यूजुअली जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की के रिलेटेड टर्म्स में यूज़ की जाती हैं।
इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स इस स्टैटिक एरर के डेवलप हो सकते हैं, क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, या सेंसिटिविटी पूछी जा सकती है, या फिर स्टैटिक करेक्शन पूछा जा सकता है। ये इन बेसिस पे कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आए जा सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस डेफिनेशन रिलेटेड टू द इंस्ट्रूमेंट्स। थैंक यू।